गोरखपुर शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद द्वारा सराहनीय पहल की जा रही है। आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक द्वारा पैदल गश्त के जरिए शहर के प्रमुख चौराहों पर जाम के कारणों का मुआयना करने के साथ साथ बाएं लेन को ट्रैफिक फ्री बनाए रखने के लिए चौराहों पर लगे यातायात पुलिसकर्मियों को निर्देशित भी किया गया है। एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद की अगुवाई में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने की कवायद अभी भी जारी, लगातार अभियान चलाकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारे सीनियर अधिकारी भी और हम लोग भी लगातार सड़कों पे इस संबंध में कार्य कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। इसी का परिणाम रहा है कि कल सोमवार को भी कहीं पर भी जो है कि ट्रैफिक का दबाव भी देखने को नहीं मिला, ट्रैफिक स्मूथली तेज गति से निकलता रहा है। आपने भी देखा होगा, सब लोगों ने देखा है, मीडिया ने भी इस चीज को जो है कि हाईलाइट किया है अपने पेपर के माध्यम से, हर चीजों के माध्यम से। और उसी क्रम में आज भी मैं यहाँ गणेश चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ। यहाँ से फिर अभी काली मंदिर किराए पर भी देखेंगे, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव अमूमन यहाँ ज्यादा रहता था, लेकिन कल मंडे को भी नहीं रहा है, चूंकि स्मूथली ट्रैफिक निकलता रहा, हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और आज भी जो है कि व्यवस्था उसी तरह से कराई जाएगी जैसे कल सोमवार को कराई गई थी। यही कहना चाहूंगा कि यातायात नियमों का पालन करें, हमारे कर्मचारी जैसा दिशा निर्देश चलने के लिए दे रहे हैं चौराहों तिराहों पर उसके अनुसार चलें। या ट्रैफिक सिग्नल से अगर चल रहा है जो चौराह तिराह ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार चलें और ट्रैफिक रूल्स को का वायलेशन कदापि न करें, अन्यथा आपको जुर्माना भी दे भरना पड़ सकता है और आपके एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है।